रोहतक स्थित बाबा श्री बालकपुरी जी धर्मार्थ औषधालय के 11 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें नेत्र जांच, हड्डी रोग, चर्म रोग व अन्य रोगों की मुफ्त जांच विशेषज्ञ डॉक्टरों की देखरेख में की गई। इस कैंप का आयोजन महामंडलेश्वर बाबा श्री कर्णपुरी जी महाराज के सानिध्य में किया गया और इस मौके पर पीजे रोहतक की वाइस चांसलर श्रीमती अनीता सक्सेना व एलपीएस बोजार्ड के डायरेक्टर राजेश जैन की धर्मपत्नी संध्या जैन ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। आपको बता दें, इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में लोगों ने पहुंच मुफ्त अपना स्वास्थ्य जांच करवाया। तो आइए अब आपको सुनाते हैं इस बारे में बाबा करणपुरी व अनीता सक्सेना ने क्या कहा। बीमारी तो बढ़ रही है, आपने ठीक कहा, पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, बीमारियाँ भी बढ़ रही है और एक कारण ये भी है कि वो ज्यादा जल्दी पकड़ में आ रही है। और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी इस ऑर्गेनाइजेशन का जिसने इतने सारे लोगों को कैंप लगा के स्क्रीन करते हैं और जब कुछ ऐसी बीमारी होती है कि वो यहाँ पर ट्रीट नहीं हो सकता तो उसे पीजीआईएमएस में या किसी बड़े अस्पताल में रेफ़र करते हैं। उससे मुझे लगता है सब अस्पतालों को भी बहुत फ़ायदा होता है क्योंकि एक स्क्रीन होकर पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। तो इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन हैं जो फ्री में कर रही हैं, मैं समझती हूँ बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और जो जनरल पब्लिक है उसको बहुत सुविधा प्राप्त होती है इसकी वजह से। और भी जो डिस्पेंसरियाँ हैं, और भी जो स्वास्थ्य कैंप लगते हैं, उनको भी क्या संदेश दोगे कि इस तरह से जो लोग हैं पीड़ित हैं, लगातार बढ़ रही बीमारी, उनको लेकर यही कहेंगे कि किसी भी इंसान को कोई भी सिम्टम हो वो जरूर अस्पताल जाए। लोग अस्पताल जाने से घबराते हैं और उसका कारण भी सही है क्योंकि वहाँ भीड़ भड़क्का बहुत होता है, लेकिन ये हैं डिस्पेंसरीज और भी हैं चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन से, वहाँ पर इतनी आस्था से और इतनी एम्पैथी से काम होता है कि मरीज खुश होके जाता है। तो मैं तो चाहूँगी कि लोग आगे आएँ, अपना इलाज कराएँ जिससे बीमारी बढ़े नहीं। और नहीं है बीमारी तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आके किसी भी डॉक्टर को दिखाना, स्क्रीन कराना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, 11 साल हो चुके हैं जी, पर लगातार डॉक्टर को सेवाएं दे रही हैं जी। डॉक्टरों के लिए, डॉक्टर को भी बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ जो निःशुल्क अपना समय यहाँ लगाते हैं, क्योंकि सबको ये फीलिंग है डॉक्टर बहुत बिजी होते हैं, डॉक्टर बहुत कम होते हैं। अगर वो अपना कुछ समय भी यहाँ लगाते हैं वो, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इनकी एक परसिस्टेंस है जो ये डॉक्टरों को पकड़ पकड़ के यहाँ लाते हैं और डॉक्टर खुशी से अपना काम करते हैं। वही डॉक्टर बहुत सालों से यहाँ पे बार बार आ रहे हैं, वो अपने आप दर्शाता है कि कितना भावना से लोग काम कर रहे हैं। वाइस चांसलर भी हैं, जिस तरह से मेडिकल में लगातार भीड़ लग रही है जी, क्या कहना चाहिए, क्योंकि मरीज की संख्या लगातार बढ़ रही है लेकिन बीमारियाँ बहुत ज़्यादा होने के कारण नहीं। देखिए, पीजीआईएमएस के बारे में बता सकती हूँ, जितना वहाँ पर ओपीडी में रश है मेरे ख्याल किसी भी अस्पताल में कम ही होता होगा। मैं तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से आई हूँ, वहाँ पर भी ओपीडी में इतना रश नहीं है जितना पीजीआईएमएस में है। तो समस्या तो है, रश ज़्यादा है, डॉक्टर्स कम हैं, इसलिए थोड़ी एक मरीज थोड़ा सा अनसेटिस्फाइड रहता है। लेकिन मुझे लगता है इस तरह के कामों से जो ये कर रहे हैं, जिसमें कंप्लीट होलिस्टिक अप्रोच है कि पेशेंट को ये नहीं कि उसका हार्ट कोई देख रहा है, दिमाग कोई देख रहा है, हड्डी कोई देख रहा है, यहाँ पर एक होलिस्टिक अप्रोच है, इससे मरीज को एक मेंटल सेटिस्फेक्शन भी मिलता है। ओम नमो नारायण। श्री सतगुरुदेव स्वामी बालकपुरी महाराज जी की असीम कृपा से आज श्री बाबा बालकपुरी जी धर्मार्थ औषधालय को 11 वर्ष पूर्ण होने पर आज एक निःशुल्क जाँच शिविर कैंप लगाया गया, जो उसके अंदर औरतों के और स्किन के और आई के और बीएमडी का टेस्ट फ्री किया गया। और इसके हमारे शोभा को, कैंप की शोभा को बढ़ाने के लिए हमारे रोहतक शहर के पीजीआई के वाइस चांसलर अनीता सक्सेना मैम और हमारे राजेश जैन जी जो एलपीएस बोसार्ड के डायरेक्टर हैं, और हमारे पूज्य माता जी संध्या जैन जी भी यहाँ आई हैं। बढ़िया अच्छा लगा कि इन्होंने यहाँ करके यहाँ पे इस कैंप में और शोभा को बढ़ाया और यहाँ पे आकर के सभी जनमानस को एक जो सुचारू रूप से डॉक्टर यहाँ पे आए हैं उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि इसी तरह रोहतक की जनता श्री बाबा बालक धर्मासुर यूँ ही प्यार करती रहे, इसी तरह गुरु महाराज की कृपा से ये सेवा निरंतर चलती रहेगी और इसी तरह गुरु महाराज की कृपा सफल बने, सभी स्वस्थ रहें।